नमस्कार दोस्तों, मैं रामकलाश यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि इस भैंस को आप देख रहे हैं, ये भैंस जो अपना खुद का दूध पी लेती है, तो इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। आज इस विषय पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि ये जो दूध पी ले रही है, ये दूध कब से पीने लगी और क्यों पी रही है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये दूध पीने लगी। तो आज दोस्तों इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको हमने कोई सवाल सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक्स पर, यही कि ये भैंस जो है अपना दूध क्यों पी ले रही है, खुद का अपना दूध पी ले रही है ये, तो इसके साथ वाकया हुआ क्या। तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब ये बच्चा करने वाली थी तो इसका जो बच्चा था पेट में ही मर गया। पेट में मर जाने की वजह से डॉक्टर को बुलाया गया और इसका बच्चा जो था उसको निकाला गया। और उसके बाद पहली बार बच्चा कर रही थी, यानी कभी उसने बच्चा नहीं किया था, यानी पहली ब्यात का बच्चा था। तो हुआ यही कि बच्चा जब खत्म हो गया तब जो है, ये आपको दोस्तों पता होगा कि जब पहला ब्यात की भैंस होती हैं तो थन से दूध निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा उन्हें कष्ट भी होता है, जिसके लिए वो थन पकड़ने नहीं देती, छूने नहीं देती। तो क्या है कि कैसे भी कैसे करके उसे जो है दूध निकालें, लेकिन निकालने में बहुत ज़्यादा लात मारती थी। तो जिससे वो किसान भाई जिसकी भैंस थी वो परेशान हो गए कि हमें किस तरह से दूध निकाल लें। तो निकालने देती थी, बहुत थोड़ा दूध निकाल पाते थे, मतलब ज़्यादा नहीं निकाल पाते थे। तो हुआ क्या कि दो दिन, तीन दिन, चार दिन ऐसे हुआ। तो क्या है कि अपने आप जब थन में दूध भरा जाता है, थन में दूध भर जाने की वजह से, तो उसके थन में उसे भी कुछ उठने बैठने में दिक्कत होती होगी या उससे भी कुछ अजीब सा लगता होगा। तो भैंस क्या है कि अपना पैर उठाकर ऑटोमेटिक अपना जो है दूध पीने लगी। कुछ दिन तक तो लोगों को पता ही नहीं चला, लेकिन जब और दिन बीतता गया तो उनको ऐसा लगा कि पहला की भैंस है और दूध दे रही है 1 लीटर, तो उनको शक होता था। कभी 1 लीटर देती थी, कभी आधा लीटर देती थी, तो उन लोग बहुत मतलब घबराए से जाते थे कि हो सकता है कि बच्चा मर गया है, इसके लिए जो है दूध नहीं उतार रही है, वो लोग भी तरह तरह के मन में पैदा होता था। तो एक दिन हुआ क्या कि जब सुबह गोबर उसका हटाने के लिए जाते हैं लोग, तब देखें तो ये दूध पी रही थी। तब फिर उन्होंने आकर बताया कि भाई जो भैंस है वो तो अपना खुद का दूध पी ले रही है। तब जो है इन लोगों को गौर हुआ कि ये तो हमारी भैंस अपने आप दूध पी ले रही है। तो दोस्तों यही होता है कि अगर भैंस के थन में दूध भरा रहेगा, दो दिन तीन दिन दूध नहीं निकालेंगे आप, तो ऐसा वाकया खड़ा हो सकता है। इसके लिए अपने भैंस का अगर बच्चा कर देती है तो समय समय पर उसका दूध निकाल लें। अगर दूध निकालने में नाटक भी कर रही है, दूध नहीं उतार रही है, तो उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको इस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपके भी जो गाय है, भैंस होगी, वो भी दूध अपना पी सकती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम फिर हमारा को अच्छा सा वीडियो अपलोड होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।